भाई कितनी फैन फॉलोइंग है इस चीज का, मुझे नहीं पता था कि इतनी कोई शिद्दत वाली फैन फॉलोइंग है। बांग्लादेश के तमाम सिंगल मिंगल लोग ठीक होंगे। तो यार कैसे हो तुम सब? आज हम एक जबरदस्त वीडियो देखने जा रहे हैं और वीडियो का टाइटल है मिजानुर रहमान अजहरी फॉर अल्लाह। ये मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे स्पेशल मैसेज किया और उनका नाम मिराज जॉय है। उन्होंने कहा भाई ये मिजानुर रहमान अजहरी साहब है, क्या आप इनको जानते हो? मैं कहा जी जी भाई हम जानते हैं। उन्होंने बोला भाई इस वीडियो पर रिएक्शन दो। मैं कहा भाई हाजिर हम देंगे, लेकिन उनसे माजरत, मैंने थोड़ी वीडियो लेट कर दी लेकिन आखिरकार आ ही गया। तो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। लेकिन उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना ताकि इस तरह के अमेजिंग और एंटरटेनिंग रिएक्शन जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त किस्म का रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हियर वी गो। हुए हुए हुए। बिल्कुल ऐसे जैसे लीडर आया है, कोई पॉलिटिकल लीडर आया। बहुत ही यार फैन फॉलोइंग है। हुए स्टेज में जा रहे हैं मेरे ख्याल से। वो देखो स्टेज पे वार्म करने की कोशिश कर रही है वो भाई कितनी फैन फॉलोइंग है इस चीज का, मुझे नहीं पता था कि इतनी कोई शिद्दत वाली फैन फॉलोइंग है। वो लोग घरों पे चढ़े हुए हैं। वो देखो किधर चढ़ा हुआ है वो भाई। कमाल, माशाल्लाह बोलना चाहिए। यार वो देखो कितने लोग ऊपर चढ़े हुए हैं। ओए होए होए, जैसे कोई जलसा है कसम से। दूर दूर तक वो भाई। तीन मानो फुल जलसा लग रहा है, कोई पॉलिटिकल इवेंट लग रहा है, कोई लीडर आया। जबाबे तखन बोली मृदु हेसे जाए चली बुके मोर आछे मिजानुर रहमान आजहারীর এই সামনের অংশটাই দেখে, পিছনে যে কত ঝড় ঝাপটা এগুলো দেখে না। তো এগুলো আমরা শোনাতেও চাই না, এক আল্লাহরে শোনাই। ইন্নামা হুসনি ওয়া বাসি ইলাল্লাহ। সে কোন বন্ধু বলো বড় বিশ্বস্ত, সে কোন বন্ধু বলো বেশি বিশ্বস্ত, কার কাছে মন খুলে দেয়া যায়, কার কাছে প্রাণ খুলে দেয়া যায়, হওয়া যায় অতি আশ্বস্ত, তার না। পাবলিক চেক করো কসম সে, পাকিস্তান মে ইতনা ইসলামিক স্কলার কি ইতনি পাবলিসিটি নি মানে দেখি। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আমরা ভালোবাসা দিয়ে বিশ্ব জয় করব, ঠিক কি না? হেরে যাবে ওদের হিংসার ষড়যন্ত্র, জিতে যাবে আমাদের ভালোবাসা। আমাদের ভালোবাসাকে হারায় দেওয়ার মতো শক্তি পৃথিবীর কারণে চিল্লায় বলো, ঠিক কি না? যে জনগণকে ভুলভাল বোঝানোর দিন শেষ। তাওহীদি জনতা এখন অনেক সচেতন, কোরআন প্রেমী তাওহীদি জনতা কোরআন আর সুন্নাহ এই দুইটাই বুঝে, এই দুইটা ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না। এই জন্য কোরআন আছে যেখানে আমরা আছি, সুন্নাহ আছে যেখানে আমরা আছি, ইসলাম আছে যেখানে আমরা আছি। এই গণজোয়ার এটা কোরআনের পক্ষের গণজোয়ার, এই গণজোয়ার এটা ইসলামের পক্ষের গণজোয়ার, ঠিক কিনা?
এজন্য যারা কোরআনের মাহফিলকে বানচাল করতে চায় এরা বোঝে নাই, না বুঝে এগুলো করেছে। আমরা তাদের জন্য দোয়া করি, কারণ আমাদের হৃদয়ে তাদের জন্য ভালোবাসা আছে না নাই? আজকে আসেন আমাদের সাথে, বসেন, দেখেন আমরা কোরআনের বিপক্ষে, আমার নবীর বিপক্ষে, আমার ইসলামের বিপক্ষে আমরা কোনো কথা বলি না, ঠিক কিনা? আমাদের এই পবিত্র মঞ্চগুলো থেকে কোরআনের পক্ষে কথা হয়, এই পবিত্র মঞ্চগুলো থেকে আমার নবীর শানের ব্যাপারে কথা হয়, এই পবিত্র মঞ্চগুলো থেকে ইসলামের পক্ষে কথা হয়। তো যেখানে ইসলামের কথা হয়, কোরআনের কথা হয়, বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বায়োগ্রাফি নিয়ে কথা হয়, কোনো মুমিন ওই রকম বরকতময় মজলিস বন্ধ করতে পারে? কালেমার পতাকা উড়ুক আমরা চাই কি চাই না? কোনো একদিন এদেশের আকাশে কালিমার পতাকা উড়বে। সবসে বড়িয়া কি ইস ধূপ মে লোক ইতনি গরমি বেদনা ভুলবে। মাশাআল্লাহ। একদিন এ দেশের আকাশে কালিমার পতাকা উড়বে, সেদিন সবাই খোদাই বিধান পে দুঃখ বেদনা ভুল। तो यार अगर आज के वीडियो के रिव्यू की बात करें तो इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉक भी था, और अगर पाकिस्तान को इस ऐसे फ़ैन फॉलोइंग से कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान में ऐसा कोई भी इस्लामिक स्कॉलर नहीं है जिसकी इतनी ज़्यादा कोई फ़ैन फॉलोइंग हो। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है वो तारिक जमील की है, तो वो इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग नहीं जैसे कोई पाकिस्तान में इसको कंपेयर किया जा सके नवाज शरीफ के जलसे के साथ, वो भी लाहौर में अगर कोई गैदरिंग हो रही हो तो इन लोगों का ठाटे मारता हुआ समंदर पूरा पहुंचा हुआ था, और बिल्कुल इस तरह लग रहा था कोई जलसा है, लेकिन ये जलसा नहीं थी, एक मिजानुर रहमान अजहरी साहब का एक बयान सुनने आए थे। तो वो काफ़ी अच्छे स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है, और मैंने इनकी एक वर्सेस वाली एक वीडियो थी वो देखी थी, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर इन्होंने एक वीडियो दी थी वो अपलोड की थी, वो मैंने देखी थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान इन्होंने किया था, मोमिन की इन्होंने सफात बताई थी। यार इनकी जो चीज़ है जिसने मुझे एडमायर किया था, इम्प्रेस किया था, वो इनका मतलब बोलने और बयान करने का स्टाइल था। माशाल्लाह एक बहुत ही पोलाइट किस्म के इंसान है, और बहुत ही मतलब एक इस तरह लेके चलते हैं बात को कि मतलब इंसान के दिल से सीधा कनेक्ट हो जाती है बात, तो सीधा फैन फॉलोइंग हो जाए। मैंने सबसे पहले जो इनकी वीडियो देखी थी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बयान था, जब मैंने देखी था और जिस तरह इन्होंने बयान किया था तो मैं फुली अट्रैक्ट हो गया था इनकी तरफ। मैं कहा यार ये कोई पाए का बंदा है, पाए का स्कॉलर है, यार जो इस्लाम के हालात चल रहे हैं ना बहुत ही कम लोग हैं जो पोलाइटली बात करते हैं, जो जिनसे इस्लाम का ट्रू फेस नज़र आता है। इस्लाम इतना कोई तर्क नहीं था जितना लोगों ने बना दिया हुआ है, लोगों ने इस तरह तलवारें पकड़ी हुई हैं, तो ये बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन मुझे इनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी सेंसिबल लगा है, और मेरे ख्याल से इस तरह के लोग होने चाहिए ताकि जब कोई नॉन मुस्लिम देखे कि ये है ट्रू फेस ऑफ इस्लाम, तो वो एक जो उसकी रिकावट है इस्लाम एक्सेप्ट करने की वो दूर हो सके। तो मेरे ख्याल से मौलाना तारिक जमील और मिजानुर रहमान अजहरी जैसे बहुत से हमें इस्लामिक स्कॉलर चाहिए, हर सिफ्त में इस्लामिक किस तरह के स्कॉलर चाहिए। आपका इल्मी इख्तलाफ हो सकता है इन दोनों में किसी के भी साथ, लेकिन बिहेवियर के साथ आपका इनमें से किसी के साथ इख्तलाफ नहीं हो सकता। बिहेवियर के हिसाब से इनको 10/10 मार्क्स मिलने चाहिए। आप मैं नहीं कोई फिरका वारियत की बात में पड़ता, लेकिन ये जैसे बयान करते हैं और जो उन्होंने उस टाइम बातें की थी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उससे मैं 100% एग्री करता हूं। और रिसेंटली मुझे काफ़ी ज़्यादा ये देख के दुख भी हुआ, और मैंने इससे पहले एक वीडियो पर रिएक्शन दिया जिसमें मिजानुर रहमान अजहरी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक है, पाकिस्तान का क्या ओपिनियन है इन दोनों के बारे में, उस वीडियो पर रिएक्शन दे रहा था। तो पाकिस्तान के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इनके बारे प्यार करते थे, उन पाकिस्तान में इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, बाकायदा इनको अप टू डेट इनसे रहते थे,
वहां मुझे पता है कि ये बाहर के मुल्क पढ़ने गए हुए हैं पीएचडी करने, और जो ढाका की पार्लियामेंट है वहां इनके खिलाफ साजिशें भी हो रही हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यही था आज का रिव्यू, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।